और आपको अपडेट्स देते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास 3 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें वज़ीरे आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस की जाएगी। अदम एतमाद की करारदाद में कहा गया है कि वज़ीरे आज़म इमरान खान ईवान का एतमाद खो चुके हैं, अब वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज नहीं रह सकते। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतहदा अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का मुशतरका इजलास आज 3 बजे बुला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा।